एक नंबर मूवी है फाड़ू एक्शन, एक नंबर फाइव इज़ फाइव स्टार देना चाहता। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ पहली बार स्क्रीन पे आए, कैसा लगा आप दोनों? बहुत अच्छा लगा। मालूम है मैं 27 को टिकट बुक कर लिया था, शायद मिले ना इसके लिए। अगर गानों की बात की जाए तो कितने गाने थे इसमें? गाने तो दो ही है। कैसे लगा आपको गाने? तो अच्छे है, पहले तो ऑलरेडी देखा हो, अभी फिर से देखा हो, अच्छा लगा। ऋतिक और टाइगर में से बेस्ट कौन था? दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही मेरा फेवरेट है। पाँच में से कितने देना चाहिए? पाँच में से पाँच ही मिलेगा सब। नंबर अच्छा लगा। दोनों को पहली बार साथ में देखे कैसा लग रहा है? एक नंबर है। जस्ट हम लोग देखने आए तो वो इतना पूरा दिल खुश हो गया मूवी देख के। ऋतिक और टाइगर दोनों फर्स्ट टाइम बड़ी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मतलब दोनों में से अच्छा कौन लगा? दोनों भी अच्छे लगे हम लोग को। एक्शन ज़्यादा किसका अच्छा लगा? एक्शन में ज़्यादा मतलब टाइगर श्रॉफ का ही अच्छा लगा। तो गाने की बात करें तो गाने कैसे लगे आपको? गाना भी मस्त है, एक नंबर। दोनों गाने कितने हैं? दोनों पसंद है आपको? नहीं, पहले वाला ही पसंद है। और कितने स्टार देना चाहिए? पाँच में से कितने देना चाहिए? थैंक यू सर। कैसे लगे? अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। टाइगर और ऋतिक की बात करें तो दोनों में से कौन अच्छा? ऋतिक। और ये एज नेल्ड इट। फिल्म का एक्शन कैसा था? एक्शन बहुत अच्छा था, दोनों ने एक्शन तो अच्छा किया है, बहुत अच्छा था एक्शन दोनों का, लेकिन ऋतिक वॉज बेटर दैन टाइगर। गाने सॉन्ग्स वेयर नॉट गुड, गाने इतने अच्छे नहीं। 4 स्टार एटलीस्ट, 10/10 फॉर ऋतिक। वो तो हीरोइन तो आई थिंक 10-15 मिनट्स के लिए जस्ट, कोई बड़ा रोल नहीं, पूरा ऋतिक पे मतलब ऋतिक रोशन। हाँ, मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, फाइटिंग सीन्स वगैरह बहुत अच्छा है, जो स्टोरी लाइन है वो भी अच्छा ही है। किसका काम अच्छा लगा? टाइगर श्रॉफ का बहुत अच्छा लगा। टाइगर श्रॉफ बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4.5 थैंक यू। ओके, सो टेल मी समथिंग अबाउट द मूवी। मूवी वॉज वेरी नाइस, आई लाइक द प्लॉट, आई मीन आई लाइक द मूवी, आई लाइक द स्टोरी, बिकॉज टिल द क्लाइमेक्स द सस्पेंस वॉज देयर, एंड टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन्स मूवी, सो इट हैड टू बी गुड। ओके, सो हु इज द बेस्ट? लाइक ऋतिक रोशन इज ऑलवेज बीन अ यू नो सुपरस्टार एंड टाइगर श्रॉफ इज अ न्यूकमर, सो बट ही डिड हिज जॉब वेरी वेल, बिकॉज टाइगर श्रॉफ एज विलन वी डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू डू दिस गुड, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन हिज मूवीज एज अ वेरी रोमांटिक हीरो, सो दैट्स व्हाई आई लाइक हिज एक्टिंग। स्टोरी लाइन, डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, सो आई लाइक्ड इट। ओके, एंड आउट ऑफ 5? 4। थैंक यू। ऋतिक और YRF फिल्म से एक्सपेक्टेशंस थी कि मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर होगी, बिकॉज वॉर एंड एवरीथिंग, बट इट्स ऑल अबाउट द एक्शन एंड ऋतिक के लुक्स। मैं वाणी कपूर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका अच्छा खासा रोल होगा, बस उसका सिर्फ 5 या 10 मिनट का रोल है। आई वाज एक्सपेक्टिंग टू सी वाणी कपूर अ लॉट, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत अच्छा एक्शन था टाइगर और ऋतिक का, एक्टिंग डेफिनेटली ऋतिक की ज़्यादा अच्छी थी,